ये है कहानी वीरों की, वीरों की और शूरों की, ये है निशानी शूरों की, वीरों की और शूरों की, ये है गाथा महावीरों के शौर्य और बलिदान की, ये है गाथा महावीरों के शौर्य और बलिदान की, परम वीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की, परम वीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की, माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की, माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की, वीरों की गाथा, वीरों की गाथा। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है। यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा। ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परम वीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है। पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी। गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके? उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी NCC के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए। श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर NCC का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था। तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से NDA की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है। धन्यवाद श्रीमान। तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं? श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं। वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है? श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। बेस्ट ऑफ लक। और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर
11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई। मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले। युद्ध शुरू हो चुका था। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे। 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया। बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे। जी, हम तैयार हैं। लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है। वो क्या साहब? इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां 2 दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2। तो इसका मतलब है कि हम 2 दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे। बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना। जी साहब। संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष। जय महाकाली, आयो गोरखाली। जय महाकाली, आयो गोरखाली। तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे। जय महाकाली, आयो गोरखाली। और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी। मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी।
चार घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है। आक्रमण हुआ और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े। जय महाकाली, आयो गोरखाली। पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ये हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा। उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए। तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले, ना छोड़नु, ना छोड़नु। जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया। एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा। राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है। अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800440559। आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।